बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज बन रहे हैं स्प्रिंग रोल। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरे पास सब्जियाँ हैं जिसको मैंने बारीक काटा है। एक एक पाव सब्जी है, ये है बंद गोभी जिसे बारीक काट लिया है, गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज, और हमारे पास यहाँ पे है 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, ये हमारे पास रोल पट्टियाँ हैं। सोया सॉस और चिली सॉस भी यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चिकन जो है हमने स्टीम करने के लिए रख दिया है, और स्पेगेटी यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं जिसमें हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। जब ये बॉईल हो जाएगा उसको हम छान लेंगे, फिर हम चिकन के भी जो है वो श्रेडेड कर लेंगे पीसेस, जिस तरह हमने सब्जी के बारीक बारीक किए हैं इस तरह हम चिकन के भी करेंगे। फिर क्या प्रोसीजर है, हम इसको कैसे बनाएंगे स्प्रिंग रोल, आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून ऑयल में तमाम सब्जियाँ डाल के इसको हम सौते कर रहे हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर 2 टीस्पून के करीब, और चाइनीज सॉल्ट हम यूज़ करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास चिकन श्रेडेड है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हमारे पास स्पेगेटी है जिसको हमने बॉईल करके इस तरह से छान लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब इसमें हम डाल रहे हैं चिकन, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। इसी तरह स्पेगेटी भी, स्पेगेटी भी हम मिक्स करेंगे इसमें अच्छे से डाल के। ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं, और इसमें हम सोया सॉस, चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। ये जा रहा है इसमें सोया सॉस, 3 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें चिली सॉस ऐड कर रहे हैं। इससे अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 टेबल स्पून हमने चिली सॉस लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसको रोल पट्टी में फिलिंग। जी, यहाँ पे हमने जो है अपना तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं सब्जियाँ, चिकन और स्पेगेटी और सॉसेस के साथ हमने ये अच्छे से इसको पका लिया है। अब मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको फैला के रखा है, और इसकी हम फिलिंग करेंगे पट्टियों में लई के साथ, और फिर हम आपको इसके रोल बना के और फ्राई करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रोल स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए हैं। एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ हमने कैसे किया है। ये फिलिंग हमारे पास तैयार है, और हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे इस रोल पट्टी में। इसको इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से घुमा के, फिर यहाँ से हम इसको कवर करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम लगा देंगे लई जो हमने तैयार की थी। इसको हम ओवरलैप कर देंगे, ये हमारा रोल तैयार है। जी, अब ये स्प्रिंग रोल आ गए हैं कढ़ाई के अंदर, ये फ्राई हो रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार लग रहे हैं। और मैंने यहाँ काफ़ी सारे बना लिए हैं, और इसको हम फ्रीज़र भी कर सकते हैं, और आपके घर टी पार्टी हो या कोई दावत हो तो आप इसको जब निकाल के फ्राई कर सकते हैं, और इसको केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे रोल फ्राई हो रहे हैं, मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।